Ormani jasa nomor 18 बहुत ही जबरदस्त मैच के लिए आप तैयार रहिए और यहां पर उसके जो ओपोनेंट टीम है आज वो भी अपने टीम के खिलाड़ी बहुत ही बहुत बेहतर प्लेइंग 11 में लिया है और उसके प्लेइंग 11 में गाल धागा जाने मुकेश वर्मा जर्सी नंबर 0 लक्की चांद बास की जर्सी नंबर 3 में रविलाल जर्सी नंबर 4 में नरेश दसरा जर्सी नंबर 2 में लाली सोरेन जर्सी नंबर 11 में जर्सी वर्मा जर्सी नंबर 7 में कालिदास सोना पाविया जर्सी नंबर 9 में वर्षा हेमराज जर्सी नंबर 10 में विटामिन मुर्मू जर्सी नंबर 14 में अजय टोगो और इसलिए ये मैच आज दिन का बहुत ही ताबड़तोड़ मुकाबला होने वाला है हाई वोल्टेज मैच होने की संभावना तीन तीन विदेशी बोर्ड के साथ तीन तीन विदेशी बोर्ड के प्लेयर्सों के साथ सजी ये टीम गाजीपुर उत्तर प्रदेश इस मैच के मुख्य रेफरी विष्णु दत्ता सर जो कि वर्धमान से चल करके आए हुए हैं इनके सहयोगी रेफरी के रूप में यहाँ मानव सर है जो कि AR1 में ये भी वर्धमान से और AR2 में उपेंद्र सरकार जो कि कोलकाता से है और फोर्थ ऑफिशियल मैच चंटू दास ये भी कोलकाता से है इन रेफरियों के देखरेख में ये मैच यहाँ से चालित होता है बल्ले फड़ा रहा है होपना है ब्रा आप यहां से लिए बिना नाम जहान के बिना सोना खोल रहे ना तो आप ध्यान के नाई पुलिस इधराए ध्यान हेलो देदला आप पे नहो तहना का स्टेज पर देख सकते हो जो तयो मचा कुदन से उनके लिए जपा मौका नहीं इमरजेंसी कथा का ना नहीं थे वहां पर जपा मौका उसे रमचा आधा मैच ये तो होपना तिनिया को तो दूसरा मैच ग्रुप बी से कोई ये लगो तो आप मैच रहा तेरा इंटरेस्टिंग है ना और बहुत बहुत धन्यवाद सुशील एंड राजेंद्र आप तमाम दर्शक दिग्गज और तमाम मित्रों को फ्रेंड टाइम बादल जल्दी जल्दी कर हाथी घंटे हो सभी मित्रों के लिए खिलाड़ी एवं दर्शक दिग्गज को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं आप लोगों का स्वागत है ग्राउंड पर राजेंद्र के द्वारा
और पूरे इंतजार और मेरे साथ मासर या दूसरा मैच के लिए हमें इस लेवल पर प्रस्थान किए यहां से देखा होगा लेकिन यहां बचाव करते हैं बोल को वहां से क्लियर करके रहा और ये जो आज का दूसरा मैच यह है एमएफसी महापतपुर गाजीपुर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश वहां से एफसी खागड़ाजी के बीच एक रोमांचक एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हम देख पा रहे हैं और आशा है कि ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मैच में और भी ज्यादा रोमांचक बढ़ता जाएगा और फिलहाल दोनों टीम में काफी ऊंचा वाला खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया है जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश की टीम में यहाँ तीन टीम होनर प्लेयर विदेशी के खिलाड़ी को सिलेक्शन करके राउंड पर लाने का प्रयास किया है और वही खाना तो जाना जाने के ठीक सभी एक से एक प्लेयर का सिलेक्शन किया है कालिदास अरिया जैसे कलीम जैसे खिलाड़ी का नरेश जैसे खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल करके कहीं ना कहीं टीम को थोड़ा सा मजबूती करने का जो प्रयास है परंतु देखना होगा कि यहाँ अंतर मेज पर कौन सा टीम हावी होते यहाँ से देखना है कौन का बढ़ सकता है और ये कहा जाए तो सेकंड फोर से टकरा कर सीधे बॉल बाहर की ओर चली गई यहाँ कौन का बढ़ सकता था शुरुआती समय यूपी के पास कि मैच को लीड करने का मैच पर बढ़त बनाने का लेकिन थोड़ा सा और फिलहाल दोनों ही टीम शून्य शून्य की तौर पर बरकरार लेकिन मार्शल यहां से देखना होगा कि इस लय पर शुरुआत के सबसे मैच को खेलने का प्रयास करनी होगी भले यहां एक अच्छा सा चांस मिला था एक अच्छा सा मौका मिला था लेकिन इस मौके को भुलाने का थोड़ा सा नाराज हुए हैं लेकिन काफी समय दोनों के पास और समय पर देखना होगा क्या गोल आएगा यहाँ क्योंकि हमने देखा इससे पहले जो मौका बनाने का प्रयास करती हूँ अच्छी डिफेंडिंग को मजबूती प्रदान करते हुए हर संभव को ध्यान किया है मर्सल और यहाँ साउंड सिस्टम के ऑपरेटर हैं दुलाल जी आप जहाँ पर भी हैं स्टेज पर आने का प्रयास करेंगे जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष चंद्रलाल जी से आप संपर्क करें दुलाल जी साउंड सिस्टम के जो ऑपरेटर है आप जहाँ के भी कृपा करके जितना जल्द हो सके यहाँ मंच पर आने का प्रयास करें हेलो हेलो और एक बार आप सभी ऑडियंस को इस बादोली जाली जजों क्लब हाथीगढ़ इस क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं हार्दिक अभिनंदन है और लेकिन मैं वैसे ही कह रहा था कि सभी लोगों के ये टीम में एक ख्याल हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पर कल के जितने भी टीम थी वहाँ एक भी नाइजीरिया एक भी होनर प्लेयर का सिलेक्शन नहीं किया गया था तो काफी लोग आपसे पूछते थे क्या यहाँ आज के दिन में कोई बीएसएल के खिलाड़ी आए हैं और इसी के साथ वहाँ ऑफसाइड का गोल आता हुआ तो ये मैं कल दो तीन टीमों से मिला था जहाँ तक जानकारी मिली थी कि हाँ कल शायद यहाँ कम से कम एक या दो टीमों से होनर प्लेयर का सिलेक्शन किया गया है तो वाकई में यहाँ जैसे हम देख पा रहे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो टीम है उनके ओर से तीन टीम विदेशी मूल के प्लेयरों का सिलेक्शन किया गया है जिसमें से पहला खिलाड़ी प्लेयर जो छह नंबर जैसे पर खेलते हुए नजर आ रहा है उसके बाद जिसे जो दस नंबर के जर्सी पर है और जूनियर जो 11 नंबर के जर्सी पर जबकि जूनियर को एक बेहतरीन मौका मिला था लेकिन इस मौके को भुलाने में थोड़ा सा नाकाम रहे और जब जब विदेशी मुल्क के खिलाड़ी किसी भी मैदान पर उतरते हैं तो दर्शकों में एक अलग सा उत्साह बन जाती है खेल जैसा भी हो लेकिन यहाँ दर्शक विदेशी मुल्क के खिलाड़ी को देखना चाहते हैं और इतना तक तो बहुत अच्छी बात है कहीं कहीं तो हमने देखा है कि बहुत सारे ग्राउंड में 11 के 11 विदेशी मुल्क के खिलाड़ी होते हैं तो एक तरफ से कहा जाए तो जो इंडियन प्लेयर है उसके साथ थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन होता है लेकिन यहाँ टीम का जो रेगुलेशन बनाया गया है बहुत ही अच्छा है
ताकि इसके साथ हमारे क्षेत्र के लोकल करियर को भी खेलने का मौका मिले। और उसी क्रम में यहाँ से हमारी यही का एक लोकल बॉयस है छोटे लाल मरिया, इन्होंने एक चांदी के ये हार को यहाँ पर रखे हैं। कमेटी के पास उनका कहना है कि अगर कोई भी खिलाड़ी उस गोल पोस्ट के रिंग को रिंग से टकरा कर अगर कोई खिलाड़ी गोल डालते हैं तो उनके लिए चांदी का माला चांदी का हार जो है उसे दिया जाएगा। तो दिशा में भी शायद जहाँ खिलाड़ी का कोशिश रहेगा यहाँ पर हमने एक बार कोशिश लंबा शॉट लेकिन सुना चित यहाँ एक बार बहुत छुटके थे लेकिन बिना वहाँ ऊपर पहुँच गया। तो मतलब यहाँ देखना होगा कि इस चांदी के हार को इस चांदी के मालिक पर कौन से टीम की नजर है। शायद हमें लगता है यहाँ से इस टीम से कोई सा खिलाड़ी उस हार को अपने नाम कर लेंगे परंतु देखना होगा कहना बहुत जल्दबाजी वाली जी। यहाँ छोटेलाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों को यहाँ प्रोत्साहन करने के लिए मोटिवेट करने के लिए और मैच में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मैच में और ज़्यादा रोचक और इंटरेस्ट लाने के लिए वो खिलाड़ियों को यहाँ मोटिवेट करने के लिए जिस तरीके से वो अपना सहयोग दे रहे हैं उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर कौन सा टीम के खिलाड़ी ये चांदी का जो वाला है यहाँ उनके नाम होंगे ये तो कहना मुश्किल है लेकिन दोनों ही टीम यहाँ पर पहला गोल की तलाश में लेकिन 11 नंबर यहाँ पर लाली सोरेन ने यहाँ पर अच्छा सा पास करा दिया। अभी भी बॉल तो लाली सोरेन है और अभी भी बॉल का पोजीशन यहाँ पर 10 नंबर सीट से दिया होगा जो नेक्स्ट टेकर का बॉल नाइस पास इनके कीपर सी से 10 नंबर 10 वंस अगेन टू प्लस आर देयर बट सी से फेल डाउन एंड द वीसी बॉस गाजीपुर यूपी टीम सब मोमेंट्स जो आई रिमेंबर सी से वन सर्व नाइस सीट जस्ट नंबर सिक्स डियोन एंड वंस अगेन बोल हैज टेकन यूपी टीम वंस अगेन। और वहां पर क्या होगा लेकिन जिस तरीके से वहां पर अपील कर रहे थे रिंकू दा लेकिन रेफरी का मानना था वो दरअसल वैसा नहीं लेकिन अभी भी बॉल का महासर वहां पर जिस तरीके से घागर जाने टीम ने वहां पर लेकर के सुंदर सा पांच बनाने का प्रयास किया है। और बिल्कुल मार्शल जिस तरह का अपील किया था वहां पर लेकिन हमारे वॉचिंग रेफरी द्वारा उस अपील को नकारते हुए ये जो सही है उस चीज को दर्शाते हुए हमारे वॉचिंग रेफरी जी यहाँ पर घागर जाने टीम भी बड़ा सुपर खेल रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पर मैंने देखा था लगभग दो मौका वहाँ पर बना रहे थे काउंटर अटैक पर निकल करके गेंद को शॉट पे लगा चुका था लेकिन फ्रेम पर भी लगने के वजह से बॉल बनाने से बाहर चले गई और अच्छा तो दिखा रहे हैं आप लोग और कहीं ना कहीं ये लोकल प्लेयर वहाँ बहुत नजदीक से जानते हैं कई बार बहुत का कई जैसे खिलाड़ी आगे जैसे और बहुत ही युवा खिलाड़ी बचा जो कि पूरे टीम के अंदर एक एनर्जी खिलाड़ी को भी सिलेक्शन किया गया है। तो कहा जाए कि यूपी के दृष्टिकोण से लोकल खिलाड़ी की बहुत ही बड़ी इस तरह के यूपी के टीम में कृत्रिम बॉलर प्लेयर्स है कृत्रिम विदेशी के खिलाड़ी उसके मुकाबले में कांटे का टक्कर निकलते हुए यहाँ घागर जाने के खिलाड़ी क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर घागर जाने के टीम में खिलाड़ी को सिलेक्शन देखना होगा इस तरह का यहाँ से शॉट आया है घागर जाने की ओर से जिस तरह यहाँ पर यूपी के खिलाड़ी द्वारा दो तीन ऐसा शॉट किया गया और जैसे कहा जाता है यहाँ जूनियर के पास एक सुनहरा मौका था लेकिन जूनियर उस चीज को सही तरीके से उठा ले गया ऐसा लगा रहा है लेकिन अभी काफी समय है दोनों के पास और प्रयास दूसरा रहेंगे दोनों के तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन सा टीम गोल करेंगे या कौन सा टीम इस मैच के खिलाड़ी हमारे 10 नंबर
What a nice shot it was. Sise. A wonderful free kick hit there, but the ball went out of the goal line. And I think Sise is trying to score first important goal for his own team. Because he plays from center forward. यहां से बॉल को कटा दिया गया लेकिन अभी भी वहां पर यूपी के टीम वहां पर सीसे यहां क्या बॉल को बना पाए जी नहीं यहां सीसे जिस तरीके से बॉल को प्लेस करना चाहा लेकिन गोलकीपर ने वहां सही जगह पर अभी आकर के बॉल को ले लिया मुकेश और ऐसे में बॉल का पोजीशन ऑटोमेटिक पर यहां पर निकल पड़े हैं अगर जाने की अगर जाने की भी वहां पर सुंदर सा पास निकाला लेकिन ऑफ साइड का इशारा आएगा और इनडायरेक्ट फ्री किक करने के तुरंत बाद ही गोल का पोजीशन यहां पर एमएफसी मोहब्बत गाजीपुर यूपी की यहां से बॉल जस्सी अंदर चेयर लियो के पास और लियो ने गेंद को आगे बढ़ा दिया वहां पर जस्सी नंबर 8 पहले खिलाड़ी बदफार के लिए और अभी भी 11 नंबर जूनियर नाइस कॉम्बिनेशन बिटवीन ऑल द फॉरेन प्लेयर्स और बिल्कुल मार्शल यहां से लंबा शॉट दिया है लेकिन शॉट जाएगी सीधे ऑफ टारगेट पोस्ट से बहुत बाहर और जिस तरह से यहां पर दो दो दो-दो विदेशी मूल खिलाड़ी के पास ये मौका था कि यहाँ घागर जानी के ऊपर एक के ऊपर घागर जानी की तरफ एक अच्छा सा बढ़त बनाने का मौका था लेकिन दोनों चुके क्योंकि सामने जो कीपर यहाँ पर मुकेश कुंडू द्वारा अच्छा वहाँ पर करेक्शन रहा उनका दोनों के दोनों बॉल को पंच आउट से या हर प्रकार से कहा जाए तो बॉल को बचाने में सफल होते हुए अभी तक जी वहाँ पर किसी को थोड़ा सा जगह पर बॉल को प्लेस करना था लेकिन सही जगह पर प्लेस नहीं कर पाने की वजह से अभी जो स्कोर लाइन जिस तरीके से दोनों की टीम की तरफ से साफ दोनों टीम का गोलकीपर का जो क्लीन सीट है वो क्लीन है और स्कोर से जो क्लीन है यहाँ पर मुकेश बोटू जो गोलकीपर है यहाँ घागर जाने टीम के और गोलकीपर यहाँ पर बासुद हस्ता यूपी टीम से इसके बीच में वहां पर घागर जानी अच्छा शॉट निकालने का प्रयास कर रहे थे जर्सी नंबर 6 में वहां पर निकलता जिस तरीके से विक्रम हेमरम थे और उसको वहां पर उस तरीके का शॉट नहीं लगाया था हालांकि वहां पर उसके पास मौका था शूटर के बॉल को वहां 18 यार्ड बॉक्स के अंदर वहां से 6 यार्ड बॉक्स के अंदर गेंद को भेज रहे थे जबकि वहां पर उसके साथी सारे बॉलर के बॉल को इंतजार कर रहे थे लेकिन इस तरीके का बैकअप नहीं दे पाए और गोल का पोजीशन इस बार गाजीपुर यूपी की और इसी के साथ इस मैच का निर्णायक रेफरी का हाफ टाइम की लंबी खुशी